कौन कौन सवेरे जग कर अपने पति के पैर छूती है। एक हाथ उठो है तो भागवत सुनने से फायदा क्या? जब तुम सवेरे जग के अपने पति के पैर नहीं छूती हो तो फिर तुम तो नारी धर्म से वंचित हो बहना। सीता अनसुईया दमयंती द्रौपदी सत्यभामा कभी भी इन्होंने मंदिरों में जाकर के पत्थरों पर खोपड़ी नहीं मारी। इन्होंने पति में ही परमेश्वर देखो और तुम इतनी आई हो तुम सवेरे पति के पैर नहीं छूती हो तो बताओ नारी धर्म से क्या होगा? भागवत सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं। बहनाओ पति के पैर ना छुओ अब भूतन वालों भगत आए जाए तो अपनी खोपड़ी पैरों से रख देती हूँ। हमने देखा है ये मंदिरों में जाती हैं सतिया धरे आती और कहती अब कितने बहू को गोद में लला आ जाए फिर मंदिर में आके प्रसाद बांटूंगी। बहनाओ पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं और कोसे से नर मर जाते तो कौन नहीं पा सकता है सौ रुपया में मुक्त द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जा दर्शन हो गए कौन नहीं जा सकता है जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। कौन नहीं खा सकता भाइयों कौन नहीं खा सकता है जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन पत्थर पूजे अगर लला मिले तो खाली रहती जमी नहीं कोसे से अगर आदमी मर जाता तो भक्तों गांव नहीं बसते। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता क्योंकि हिंदू तो तेरा तो कमाल ही है एक महीना खूब बुरे कर्म कर और पूर्णमासी को चलो जा गंगा में डुबकी लगाया सब पाप गंगा महारानी को दिया और एक महीना को परमठ भर बनवा लिया एक महीना को लाइसेंस भर बनवा लिया खूब पाप कर वो एक महीना बाद फिर गंगा में डुबकी लगाया सब पाप गंगा महारानी को दिया और एक महीना को लाइसेंस फिर बनवा लिया। बारे हिंदू तू भगवान को उल्लू की लकड़ियां भेज दो याद रख जैसे हजार गाय बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है हजार गाय में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है
इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान जाता है। इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। तू जस सोचता हो तो गंगा नहाने से गंगा के नहाने से पाप कट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जहाँ दर्शन हो पे कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता। सिन्नी बाट तो उम्र चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। और तुम पाप करके थोड़ा ये प्रसाद बांट दोगे तो तुम क्या बच जाओगे कर्म से? नहीं बचोगे। और ये छोटा बेटा नमन छबीला पुरवा से आकर के गुरुदेव जी के गले में एक नोटों का हार पहना रहा है। भगवान सतगुरु को लंबी उम्र मिले, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, अपने परिवार का नाम रोशन और बता। चोरन को ताले होते घड़ घड़ होती चोरी ना, और दिल के भीतर ते रोती तो जाती सासुगर चोरी ना। भाई सासुगर चोरी ना, दिल के भीतर ते रोती तो जाती सासुगर। बताया है पानी में जो घी निकले कौन जमावे कही नहीं। नर मर जाते तो नर बस कही नहीं, कोठे पे नर मर जाते तो नर बस कही नहीं। याद आइए भाइयों, आज राजा उत्तानपाद की रानी सुनी थी, पतिव्रता है और पति में ही परमेश्वर को देखती है। एक दिन राजा दरबार को खत्म करके महलों में आए। रानी ने अपने प्रिया को आता हुआ देखा, पलंग डाल दिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सर अपने दूल्हा की गोद में ढुलका दिया। राजा की गोरी की लटों से खेलने लगा। नहीं मालूम पड़ा गोद में सर रख के रानी सुनी थी फपक फपक के रोने लगी। एकदम राजा ने हाथ में सर लिया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है तुम रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया मैं कूर रो रही हूँ। क्यों? जवाब दिया, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, कोई हमको बांझ बताए रही है, कोई पिया
गांव की औरतें पीठ फेर के खड़ी हो जाती हैं, कानों में फुसफुसाती बहना बांझ को देख लो, दिन खराब होएगा, दिन खराब है। एक कहते जे बांध ना जा को दूल्हा कमजोर है, ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रोई हूं। महाराज कहने लगे पागल, आंसू पहुंच ले, औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। रानी कहने लगी पिया दो कर जोरे हाथ, सुनो पत बात औरत निक मेरी, तुम तू जो करियो प्यार करो मत सैया। बहुत सुंदर गुड्डे, अरे करो ना तेरी करो मत तेरी, कंठ मेरे तेरी के सैया तेरी, तुम तू जो करियो प्यार करो ना तेरी। महाराज कहने लगे पागल, का कह रही है तू? श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। रानी कहने लगी पिया बिना बेटा के आंगन खाने को दौड़ रहा है, शादी कर लो तुम। राजा कहने लगा पागल हो गई हो, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा जैसे वेदों के व्यास पैदा हुए हों, जिनकी इच्छा के द्वारा कौरव कौरव कुम्भ जैसी औलाद हुई हो, जिनकी इच्छा से मर्द के द्वारा हिरण्य गर्भाधान हुई हो, हे प्राण प्यारी व लीलाधर की लीला को समझ के खामोश बैठो।